हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिम्मेदार ही उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एसडीएम अजय चारा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर 50 से अधिक जनप्रतिनिधियों समेत अन्य की ली बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं की गई पालना। उपखंड में कोरोना टीकाकरण की धीमी गति को लेकर मंगलवार दोपहर उपखंड अधिकारी अजय चारण ने 19 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों समेत चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। करीब 20x20 फीट रूम में उन्होंने करीब 50 से अधिक लोगों को एक साथ बैठाया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रूम में बैठने की कमी के चलते अलग से कुर्सियां लगाकर इन्हें बिठाया गया। सभी एक दूसरे से सट कर बैठे दिखाई दिए। ये सभी अलग अलग गांव से यहां पहुंचे थे। वहीं बैठक में थोड़े लेट हो गए जनप्रतिनिधियों ने तो भीड़ देखकर बाहर से ही वापस निकलना मुनासिब समझा। राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नई गाइडलाइन में 11 लोगों को ही विवाह समेत अन्य आयोजन की अनुमति दी है। वहीं कोरोना ना फैले मंदिर मस्जिदों को भी खोलने की 30 जून तक पाबंदी लगाई है। लेकिन यहां जिम्मेदार स्वयं कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने दूसरे की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मैंने तो जनप्रतिनिधियों की बैठक ली थी, ग्राम विकास अधिकारियों को तो बीडीओ ने बुलाया था। जबकि हकीकत ये है कि बीडीओ ने एक दिन पहले ही एसडीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की सूचना जारी कर सभी 19 पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों के अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने निर्देश दिए थे। लेकिन एसडीएम बता रहे हैं कि विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों की अलग से बैठक रखी थी, जबकि जहां बैठक चल रही थी वहां से सभी एक जगह ही मौजूद थे। एक और जहां आम जन कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करता है तो प्रशासन उनसे जुर्माना वसूलता है। अब देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। जागरूक टीवी की सुमेरपुर से खास रिपोर्ट।